हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल गाइस। आज की जो फोटो एडिटिंग हम करने वाले हैं वो है इन द बोट कॉन्सेप्ट, यानी कि किश्ती के अंदर खड़े होंगे हम। गाइस यहाँ पर हमारा सबसे पहला स्टेप जो है स्किन को स्मूथ करना, लेकिन मैं आपको ये स्टेप अभी नहीं दिखा रहा क्योंकि फायदा कोई नहीं अभी देखने का, क्योंकि आगे वीडियो में आप देखेंगे कि मेरे से ना गलती हो गई थी जिसकी वजह से जो ये स्किन स्मूथ वाली चीज है ना इसका कोई फायदा ही नहीं है भाई। तो वो आप आगे देखेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया कि मैंने सबसे पहले स्टेप किया था स्किन को स्मूथ, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ था, इसलिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। मैं आगे बैकग्राउंड को रिमूव करने से स्टार्टिंग कर रहा हूँ वीडियो की। अभी हमारा सेकंड स्टेप जो है बैकग्राउंड को रिमूव करना। तो बैकग्राउंड को बढ़िया से रिमूव करने के लिए जो नीचे ये वाली लेयर है बैकग्राउंड, इसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है एंड यहाँ से मैं ना कलर भर देता हूँ येलो सा, ताकि नीचे से मैं देख सकूँ भी क्या हो रहा है। अभी खुद की लेयर ही मेरी सिलेक्टेड है, ठीक है जी। ब्रश पर जाऊँगा एंड यहाँ से इरेजर से रिमूव करेंगे भाई। तो यहाँ पर कहाँ गई इरेजर, डिज़ाइनर के अंदर हार्ड इरेजर टेपर्ड एंड उसकी सेटिंग्स, ये बेसिक वाली, ये एडवांस वाली। चलो जी अभी हम किनारों किनारों से स्टार्ट करते हैं। पहले किनारे किनारे करके ना बाकी का पार्ट बाद में आसानी से हो जाता है फिर। तो पहले किनारे किनारे कर देते हैं। बस यहाँ पर किनारे किनारे हो चुके हैं। अब मैं यहाँ से ना साइज को थोड़ा सा बड़ा करूँगा इसे, जो किनारे के साथ वाला एरिया है उसको और बड़ा कर सकते हैं इसको, एंड यहाँ पर हम इरेज कर देंगे। ये तो आसानी है, अब किनारे किनारे हमारे हो चुके हैं। साइज को रिक्वायरमेंट के हिसाब से बीच बीच में हम चेंज भी कर सकते हैं, चेंज करना भी चाहिए, ज़रूरी है। तो यहाँ पर कैसे हमने सिलेक्शन बना दी। अभी मैं एक ना रीचेक करूँगा इसको, बैकग्राउंड ऊपर क्लिक करके ना इसको ब्लैक करके, इससे चेकिंग बढ़िया से हो जाती है अगर कुछ भी ऐसे ये चीज़ें रहेगी ना, तो ये हम इरेजर से इसको ठीक कर सकते हैं। तो वैसे बैकग्राउंड हमारी रिमूव हो चुकी है, अब नीचे से बैकग्राउंड को हम बंद कर देंगे क्योंकि हमने तो रिमूव कर दी है भाई। अब यहाँ पर जाएंगे, इसको कर देंगे शेयर पे क्लिक एंड सेव टू डिवाइस। तो सिंपल है जी, हमारे दो स्टेप्स कंप्लीट हो गए, हमने स्किन को स्मूथ कर दिया एंड बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। एंड गाइस हमारा थर्ड स्टेप खुद को न्यू बैकग्राउंड के ऊपर लगाना। तो यहाँ पर अगर मैं डिटेल्स में जाकर देखूंगा तो मेरी जो फोटो की साइज और रेजोल्यूशन है ये ज़्यादा है बैकग्राउंड से, तो इसलिए मैं खुद की फोटो को पहले लेकर जा रहा हूँ। मुझे लगता है इससे फ़र्क पड़ता है थोड़ा, कि मतलब क्वालिटी कम होने के चांस कम हो जाते हैं, तो मुझे लगता है शायद फ़र्क पड़ेगा इससे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं भाई कितना मैक्सिमम जा रहा है, 2508 दिखा रहा है ना ये, तो 2508 ही आ सकता है, ठीक है जी, फुल ही है। तो यहाँ से मैं चलता हूँ ड्रॉ के अंदर। तो अभी वो सिंपल है, ये खाली वाली लेयर सिलेक्टेड है एंड यहीं पर हम ले आते हैं बैकग्राउंड को। तो यहाँ पर अगर मैं लेयर पैनल को ओपन करूँगा तो मैं हूँ नीचे, खाली लेयर है ऊपर, तो मैंने बैकग्राउंड खुद के पीछे लगानी है, यानी कि खुद को मैं ऊपर रखूँगा। नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करा, ऐड फोटो पर गई एंड यहाँ पर मैं ले आता हूँ बैकग्राउंड को। अभी गाइस यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत आ गई है, वो है कि मैंने अभी नोटिस किया कि मेरी जो फोटो है ना वो बहुत ही ज़्यादा डार्क है, उसमें लाइट बहुत ही कम है। एंड अब अगर मैं लाइट रूम में जाकर इसके बाद लाइट वगैरह एडजस्ट करूंगा तो बैकग्राउंड की भी लाइट बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, तो जो मैं नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ना खुद का एक मास्क तैयार कर दूंगा। तो उसके लिए बहुत ही आसान सी चीज़ है, बैकग्राउंड को बंद कर दिया, एक खुद की लेयर की कॉपी बना दी, ठीक है जी। अभी खाली लेयर बनाकर ना नीचे रख दी एंड इसके अंदर मैंने व्हाइट कलर को भरना है, तो ये डब्बा सा बना होता पेंट वाला, तो व्हाइट कलर को भर दिया, ठीक है जी। अभी एक व्हाइट कलर की कॉपी बना देनी है, मतलब दो मेरी लेयर होगी, दो व्हाइट वाली की लेयर होगी। अभी ये खुद वाली लेयर है इसको मैंने सिलेक्ट करा एंड यहाँ से मैंने करा एक्सोर, थ्री डॉट्स पे क्लिक करके इसको कर दिया मर्ज एंड फिर से अभी एक बार इसको करा एक्सोर एंड थ्री डॉट्स पे क्लिक करके इसको कर दिया मर्ज। तो अभी ऊपर वाली लेयर को बंद करा, सिर्फ ये वाली लेयर को सिलेक्ट रखा मैंने, यहाँ से मैं कर दूंगा सेव इमेज। तो पहले तो पिक्स आउट को बंद कर देते हैं। तो ये वाली मेरी ओरिजिनल फोटो थी ना, इसको मैं शेयर पे क्लिक करके लाइट रूम में रख चलता हूँ। तो अभी ये लाइट रूम में ऐड हो रही है, तो हो सकता है ये दिक्कत आपको भी कभी कभार आ सकती है, तो उसका ये सलूशन है मतलब ये। लेकिन जो हमने स्किन को स्मूथ करा था ना वो चीज अभी दी होगी, स्मूथ वाली चीज दोबारा से कर दूंगा मैं, कोई बात नहीं। हाँ लेकिन बैकग्राउंड जल्दी से रिमूव हो जाएगी, वो हमने जो व्हाइट वाला बनाया था ना उससे बैकग्राउंड जल्दी से रिमूव हो जाएगी हमारी। तो अभी के लिए ये ठीक लग रहा है, ये बिफोर ये आफ्टर, तो लाइट तो बढ़ गई है। अभी मैं शेयर पे क्लिक करके इसको कर देता हूँ सेव टू डिवाइस। तो अभी ये वाली फोटो जिसमें लाइट बढ़ाई है इसको मैं लेकर जाऊँगा पिक्सआर्ट के अंदर, क्योंकि बैकग्राउंड रिमूव करनी है ना। तो यहाँ से बस सीधा मैं चलूँगा ड्रॉ के अंदर
तो यहाँ पर जस्ट मैंने क्या करना है, अभी यहाँ पर क्लिक करके ना प्लस पे फोटो लेयर को लेकर आना, जो पिक्सआर्ट वाले फोल्डर के अंदर हमारी व्हाइट वाली फोटो थी ना वो वाली, ये वाली, बस डन पे क्लिक कर देना। ये अपने आप मेरे ऊपर ही आ गई, ये खाली लेयर को बंद कर देते ना पहले। हाँ, तो अभी मैंने यहाँ से इसको कर देना मल्टीप्लाई, तो ये देखो जी कितनी आसानी से बैकग्राउंड रिमूव होगी हमारी। एंड अभी इसको मैं कर दूंगा मर्ज, सिंपल। बस इसमें स्किन वाल स्मूथ नहीं हुई होगी, वो मैं चलो बाद में कर लूँगा स्किन को स्मूथ, वो हमारा स्टेप वेस्ट हो गया स्किन को स्मूथ वाला। चलो कोई बात नहीं, दोबारा से कर लेंगे स्किन को स्मूथ। तो जो हमारा भी स्टेप चल रहा था खुद को नई बैकग्राउंड के ऊपर लगाना, उसको कंटिन्यू करते भाई। एम्प्टी लेयर बनाई क्योंकि इसमें बैकग्राउंड को लगाना, तो इसको नीचे रख दिया भाई। अब यहाँ पर फोटो पर गया, किश्ती वाली फोटो, बस उसको बड़ा करके लगा देना पीछे, साइड पर कर दिया टैप। एंड अभी खुद के साइज को एडजस्ट करके बोट के अंदर लगा देता, अभी लाइट बढ़िया होगी ना, पहले लाइट बहुत ज़्यादा कम थी, तो कोई बात नहीं, बस स्किन को स्मूथ ही करना रह गया, बाकी तो हो गया खुद का। तो ये मैंने खुद की पोजीशन एडजस्ट कर दी, यहाँ से मैं कर दूंगा डन। एंड अभी जो मेरे पैर ये नाव से बाहर जा रहे हैं ना, तो उनको इरेजर से हम इरेज कर देंगे। तो इरेजर पर गया मैं, यहाँ से ओपेसिटी 100, हार्डनेस 96, ठीक है ना। तो अभी हम इरेज कर देते हैं भाई, नहीं मुझे लग रहा हार्डनेस की वैल्यू मुझे चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत तीखा हो रहा है ब्रश, तो इसको हम 80 कर देते हैं। चलो हाँ अब ठीक है, और साइज भी बहुत ही बड़ा भाई, इतना बड़ा इरेजर। अभी देखना मैं ना सेट पे क्लिक करूँगा ना, फोटो फिर से छोटी हो जाएगी, ये कोई दिक्कत कर रहा है, ये देखो फिर से मुझे जूम करना पड़ेगा, ये नई सी दिक्कत आती है पिक्सआर्ट के ना अपडेट के साथ, पर चलो बढ़िया ऐप है, इम्प्रूवमेंट्स तो हो जाएंगी अपडेट के साथ। इसी तरह से दूसरे पैर को भी कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने खुद को लगा दिया है नई बैकग्राउंड के ऊपर। एंड अभी हमारा फोर्थ स्टेप, ऐड एक्स्ट्रा इमेजेस, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, बस चार चीज़ें ऐड करनी है, तो वो मैं ऐड करूँगा यहाँ पर, ड्रॉ में नहीं करूँगा, पीछे जाके करते हैं। तो यहाँ से सिंपली मैंने कर दिया डन, तो पहले नेट भी ऑन होना चाहिए उसके लिए। सबसे पहले तो स्टिकर पर जाकर ना, उड़ता हुआ कपड़ा होता है ना वो चीज़ लेकर आनी है, तो स्टिकर पर गया मैं, यहाँ पर उड़ता हुआ कपड़ा नहीं सर्च करेंगे, ऐसे नहीं आएगा। यहाँ पर मैं सर्च करूँगा स्कार्फ, SCARF, अब आएगा रेड और ब्लू कलर मिक्सा। एंड एक इसी को ना डुप्लीकेट करके दूसरी साइड पे मैं लगा देता हूँ, तो यहाँ पर गया मैं डुप्लीकेट, थोड़ा सा फ्लिप भी कर सकते हैं हम। तो लो जी हमने उड़ता हुआ कपड़ा भी लगा दिया। एंड अब सेकंड चीज, दूसरी चीज लगानी कबूतर, तो कबूतर भी सर्च करके नहीं आएगा पता नहीं, तो पिजन सर्च करेंगे हम, स्टिकर पर गया हुआ है। एंड यहाँ पर ना ये फोटो है, ये दो कबूतर से उड़ने हैं ये वाले, इनको ले आते हैं। तो लो जी यहाँ पर हमने दो चीज़ें लगा दी, कपड़ा लगा दिया, कबूतर लगा दिया, अब तीसरी चीज़ हमने लगानी है सूरज की रोशनी। तो सूरज की रोशनी लिखने पर भी नहीं आएगा, तो हमें लिखना पड़ेगा लाइट, लिख देते हैं। तो यहाँ पर ना येलो कलर सी लाइट सी आएगी गोल सी, ये वाली, इसको ना कबूतरों और कपड़े और मेरे ऊपर, मतलब इसका इफेक्ट आएगा, ऐसे करके उसको लगा दिया। लेकिन हमें येलो कलर भाई नहीं चाहिए, तो सबसे पहले तो इसके ब्लेंड को मैं कर दूंगा स्क्रीन, येलो कम हो गया, अभी एडजस्ट पर जाकर ना सैचुरेशन भी कम कर दूंगा मैं, लेकिन इससे लाइट का इफेक्ट भी थोड़ा कम हो गया, तो ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं भाई। अभी यहाँ से डन करके थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं, इसकी ओपेसिटी भी मैं थोड़ी एडजस्ट करूँगा, ये बिल्कुल ज़्यादा नहीं रखेंगे, थोड़ी कम रखेंगे। एंड अभी तीन चीज़ें हमने कर दी ऐड, अब चौथी चीज़ लास्ट चीज़ वो है खुद की रिफ्लेक्शन ऐड करनी पानी के अंदर, तो वो थोड़ा सा काम है, वो स्टिकर के अंदर नहीं है। बस यहाँ पर वाले ना रिफ्लेक्शन बनाई थी पानी के अंदर, लेकिन अभी ये वाला पार्ट भी वाला स्किप ही करने लगा हूँ क्योंकि रिफ्लेक्शन भी ज़्यादा अच्छी नहीं बनी थी, और जो फाइनल वाली फोटो थी ना उस पर मैंने नीचे से क्रॉप भी कर दिया था, और क्रॉप कब किया था वो तो आप वीडियो में देखेंगे, लेकिन ये वाला पार्ट है ना जो रिफ्लेक्शन वाला, तो ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम आगे चलते हैं भाई। चलो भाई, तो ये कपड़ा ना, तो ये ना मुझे लगता है थोड़ा सा और होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तो बस स्टिकर पर जाकर ना फिर से ले आते हैं इसको। प्लस पर गया मैं स्टिकर,
एंड यहाँ पर ना रीसेंट वाला टैब होता है, जो जो चीज़ें अभी यूज़ करी हैं तो रीसेंट पर जाकर ना, तो यहीं पर ये वाला ले आते हैं। इसको नीचे लेके जाना है तो साइड पर ना ये वाला यहाँ पर मूव डाउन कर देंगे, तो भाई ये नीचे चला जाएगा। 3-4-5 बारी कर दो, मूव डाउन हो जाएगा। लेकिन इसको फ्लिप करेंगे हम, नहीं तो सेम सा लगेगा। थोड़ा सा इरेज भी कर देंगे। तो ऐसे लग रहा है ना, मैं कबूतर को कह रहा हूँ कि आ जा भाई कबूतर, बैठना चाहोगे मेरे हाथ पे? तो यहाँ से डन कर देंगे। ये मैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स और कर रहा हूँ फोटो को और भी बढ़िया बनाने के लिए। तो मैं जस्ट चीज़ों को ना रख रख के देख रहा हूँ कि कहाँ पर वो ज़्यादा बढ़िया लगेंगी, तो बस यही चीज़ है, और कुछ नहीं कर रहा खास। तो यहाँ पर गाइस मैंने अलग अलग चीज़ें भी ऐड कर दी, यानी कि ऐड एक्स्ट्रा इमेजेस को ऐड कर दिया। तो अभी जस्ट यहाँ से कर दूंगा मैं डन, एंड अभी ड्रॉ पर चलते हैं क्योंकि वहाँ पर हमने करनी है फोटो को सेव, करना है फोटो को सेव इमेज, ठीक है जी। तो अभी गाइस हमारा फिफ्थ स्टेप लाइट रूम। तो अभी ये पिक्स आर्ट के फोल्डर में से अपनी फोटो को मैं लेकर चलता हूँ लाइट रूम के अंदर। वैसे लाइट रूम के अंदर मैंने फोटो को ऐसा बना दिया, एंड मैंने क्या क्या चीज़ें करी ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप चाहें तो इन वैल्यूज को नोट कर सकते हैं, या आप इन वैल्यूज के स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, या आपकी मर्जी है। बाकी अगर आपने अपने हिसाब से करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ। ये वैल्यूज जो मैंने चेंज करी हैं, स्प्लिट टोन के अंदर यहाँ पर काफ़ी चीज़ें चेंज करी हैं, बस बाकी तो कुछ नहीं। हाँ एक था वो, ये प्रीसेट्स प्रोफाइल्स के अंदर मॉडर्न 04 24 नंबर तक का। एंड अभी गाइस हमारा सिक्स्थ स्टेप स्नैपसीड। तो ये फोटो को मैं शेयर पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर दूंगा, क्योंकि इसके बाद मैंने जाना है स्नैपसीड ऐप के अंदर। तो ये फोटो को मैं लेकर चलता हूँ स्नैपसीड ऐप के अंदर। तो यहाँ पर गया सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ना डिटेल्स पर जाकर ना थोड़ी सी मैंने स्ट्रक्चर की वैल्यू बढ़ानी है, लेकिन इसका इफेक्ट खुद पर ही ज़्यादा यूज़ करूँगा। अभी तो सारी फोटो पर आ गया ना, बिफोर आफ्टर तो इतनी ज़रूरत नहीं है। नीचे से डन करा, यहाँ पर गया व्यू एडिट्स पे, डिटेल्स पर जाकर ब्रश को सिलेक्ट करा, यहाँ से इफेक्ट को बंद कर दिया। अभी ये इफेक्ट को ना सिर्फ खुद के ऊपर मैंने यूज़ करना है, लेकिन वैल्यू मुझे ज़्यादा लग रही है भाई, 75 कर देते हैं। एंड 50 वैल्यू ना बोट के ऊपर भी यूज़ कर देते हैं, और कबूतरों के ऊपर भी कर देते हैं, कबूतर जी गुस्सा ना कर दें। चलो 75 कर देते हैं भाई, गुस्सा नहीं बाकी ठीक अपना बढ़िया हो रहा है। नीचे से कर देंगे डन, ऊपर से आ जाएंगे बैक। अभी जो दूसरी चीज़ करनी है वह ब्रश पर जाकर डॉज एंड बर्न। तो डॉज एंड बर्न पहले वाला ये वाला ब्रश, इसकी वैल्यू को मैं रखूँगा 5। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा जीन्स के ऊपर से, तो देखें बिफोर आफ्टर लाइट बढ़ रही है ना, तो इससे थोड़ी सी ना चमक ऐड कर सकते हैं। डार्क टूल से हम लाइट को बढ़ा सकते हैं, एंड बर्न टूल से चीज़ों को हम डार्क कर सकते हैं। तो अभी मैं डॉज टूल से ना लाइट बढ़ा रहा हूँ। अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो यहाँ पर इरेजर होती है भाई, उससे इरेज भी कर सकते हैं हम। तो लाइट को बढ़ाने के बाद अब थोड़ा थोड़ा सा डार्क भी कर देते हैं, तो वैल्यू को -5 रख के ना जहाँ से थोड़ा थोड़ा डार्क सा करना है वो भी कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं बिफोर आफ्टर। तो यहाँ पर मैंने डॉज एंड बर्न का भी यूज़ कर दिया, एंड नीचे से मैं कर दूंगा डन। अभी गाइस मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर ट्यून इमेज, एंड यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ एम्बियंस की वैल्यू को अभी -20 करा है, -20, ठीक है जी। नीचे से कर देंगे डन। अभी मैं फिर से ना ट्यून इमेज का यूज़ करूँगा, इस बारी ब्राइटनेस बिल्कुल कम,
क्योंकि मुझे नीचे से डार्क करना है। तो डन करके व्यू एडिट्स पर गया मैं, यहाँ पर इफेक्ट को करा बिल्कुल बंद। अब इसकी वैल्यू को बढ़ाकर फोटो को छोटा करके नीचे से मैं कर दूंगा डार्क, ऊपर से थोड़ा सा कम डार्क, नीचे से थोड़ा सा ज्यादा डार्क। तो यहाँ पर हम बिफोर आफ्टर भी चेक कर सकते हैं ऊपर से, ये बिफोर ये आफ्टर। तो बस मैं नीचे से कर दूंगा डन एंड यहां से आ जाएंगे बैक। अभी मैं गाइस यहां पर यूज करूंगा ग्लैमर ग्लो इफेक्ट एंड ये सेकंड नंबर वाला ग्लैमर ग्लो इफेक्ट, लेकिन इसमें ग्लो की वैल्यू को मैं कम रखूंगा। तो यहां पर गाइस मैंने ग्लो की वैल्यू को रखा 30, नीचे से कर दूंगा मैं डन। एंड अभी मैंने नीचे से थोड़ा सा क्रॉप करूंगा क्योंकि मुझे मेरी रिफ्लेक्शन थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, वो अच्छी नहीं लग रही, तो इसलिए मैं नीचे से कर दूंगा क्रॉप, थोड़ा सा साइड से भी कर देते हैं डन। तो अभी मैं यहां से कर दूंगा डन। अभी गाइस हमारा 7th स्टेप कमी पेशी दूर करना, तो जो जो मुझे कमियां लग रही है वो मैं दूर करूंगा। सबसे पहले तो मैं फोटो को ना पिक्सआर्ट के अंदर लेकर चलता हूं क्योंकि मुझे कुछ कुछ कमियां लग रही हैं। जैसे ये टूल्स पर जाकर ना क्लोन टूल से पहले मैं ये मेरी ना जीन थोड़ी सी आगे आ रही है बोट के, ये नहीं आनी चाहिए थी, तो यहां से मैं क्लोन टूल की मदद से ना इसको ठीक करते हैं पहले। तो ये आप देख सकते हैं बिफोर आफ्टर, ये पहले जीन ना आगे आ रही थी बोट के, तो अभी थोड़ी सी यहाँ पर और कमी है वो मैं ठीक कर देता हूँ। यहाँ पर कैसे छोटी छोटी सी चेंजेस थी वो मैंने कर दी। अब गाइस मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर ना ये कपड़ा है ना जो, ये फिर से थोड़ा सा और लेकर, मतलब थोड़ा सा और आना चाहिए आगे की तरफ। तो मैं स्टिकर पर जाकर यहाँ से रीसेंट, तो मैंने ना ऐसे थोड़ा सा ऐसे मतलब ज़्यादा ही जूम कर दिया आगे की तरफ ताकि लगे कपड़ा बहुत ज़्यादा आगे है जहाँ से फोटो को क्लिक कर रहे हैं, लेकिन इसके कलर्स ना अभी मैच नहीं कर रहे। तो वो एडजस्ट पर जाकर इसका ह्यू थोड़ा सा कम कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा ग्रीनिश टोन आ गई एक्वा वाली टोन। एंड बाकी इसके हाईलाइट्स वगैरह वो भी कम कर देते हैं, इसकी लाइट मतलब ब्राइटनेस वगैरह। दिखाई नहीं रहा भाई, चलो कोई बात नहीं डन कर देते हैं। एंड ओपेसिटी भी थोड़ी सी कम 95। एंड यहां से मैं कर दूंगा डन। अभी मैं यहां से जाऊंगा गाइस ड्रॉ के अंदर और नीचे से थोड़ा सा ना डार्क करना है ये वाला ग्रीन वाला जो एरिया ना, ये ग्रीन वाला जो पार्ट हमने अभी भी बनाया अभी अभी वाला, तो इसको थोड़ा सा नीचे से डार्क करना है मैंने। एंड ये ज्यादा हो गया तो ओपेसिटी कम रखेंगे हम, बिफोर आफ्टर। अब मैं 3 डॉट्स पे क्लिक करके इसको कर दूंगा सेव इमेज। एंड अभी जो एक और चीज मैंने करनी है, जो शुरू में गलती हुई थी स्किन को स्मूथ वाली, क्योंकि जो फोटो की स्किन को स्मूथ करा था वो फोटो तो भाई काम नहीं आई, तो इसलिए अभी जो ये वाली फोटो है इसकी मैं करूंगा स्किन को स्मूथ स्केचबुक ऐप के अंदर। तो वैसा सिंपल सा तरीका हमारा, इसको कर देंगे हम डुप्लीकेट, ब्रश पर जाकर यहां से स्मज ब्रश, ये इसकी सेटिंग्स एडवांस वाली सेटिंग्स, ये शेप है, ये हार्डनेस है, ये बेसिक सेटिंग्स। तो अभी स्किन को मैं कर देता हूं स्मूथ, साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं भाई।
तो यहाँ पर कैसे हम देखते हैं बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, तो बढ़िया होगी स्किन को स्मूथ, लेकिन थोड़ी सी वैल्यू मैं कम रखूंगा, ज़्यादा भी नहीं करनी स्किन स्मूथ। तो मैंने इसकी वैल्यू रखी गाइस 80। तो अभी हमारी फोटो गाइस रेडी है, सबसे पहले मैं इसको कर दूंगा मर्ज ऑल, एंड अभी हम फोटो को कर देंगे शेयर पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ अच्छा नया देखने को सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड ऐसे और अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, चैनल के बेल आइकन को दबा सकते हैं नोटिफिकेशंस के लिए। बाकी मिलते हैं आप अगली वीडियो में।